हाँ जी भैया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो उनके साथ था। उनके डेथ के एक हफ्ते पहले हम लोग साथ में थे, शूटिंग कर रहे थे। तो आज बर्थडे हम लोग बहुत खुशी मनाएंगे, उन्होंने बहुत खुशियाँ बांटी है और आज का दिन है, हमको सबको खुश हो रहे हैं और उनके बर्थडे को एंजॉय कर रहे हैं। कोई ऐसी बात है, कोई इसकी आदि आखिरी उन्होंने ओटीटी भी आपके साथ की थी? हाँ, हमने किया था ना, पॉपकॉर्न साथ में किया, बहुत ही एंजॉय किया हमने, बहुत ही बढ़िया था। अरे चलो अनिल, चलो चलते हैं भैया। एक मिनट रुको, रुको, एक बड़ा सर, एक बड़ा अनुपम सर के साथ में कर रहा हूँ। इधर इधर, हाँ सर, अनुपम सर इधर सेंटर मैम। थैंक यू सर। अरे मेरे बाद में कैसा कर रहा है सर? ऑल लेसन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर राइट में ये मोबाइल नीचे ले भाई, ये भाई ये मोबाइल नीचे ले। थैंक यू। सर होल्ड, देखा हम होटल ही कर रहे हैं सर। भाई साइड जाओ, 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 भाई सा
थोड़ा आवाज़ तो देख भाई कैमरा से सर इधर देखिए मारो ना ये भाई उधर जाना यार सब उधर भी तो कैमरा है फिर मेरे इसमें क्यों बोला मेरे लिए तो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे मेरे, उनकी वजह से मुझे अवार्ड भी मिला था. सो वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सतीश जी और अनुपम जी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. खाने की यादें हैं, हंसने की यादें हैं, जिंदा दिली की यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं उनके साथ. प्रेयर मीटिंग में भी, क्योंकि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ. सतीश कौशिक हमेशा जीवन में हंसाते रहते थे जब भी सबके थे, लेकिन एक ही चीज़ में बहुत सीरियस हो जाते थे. जब वो ताश खेलते थे तो उस वक़्त उनसे ज़्यादा सीरियस मैन को ही नहीं देखा. दैट इज़ वन मेमोरी आई हैव. थैंक यू. रियली क्लोज टू मी. वो मेरे बहुत, मतलब मैं और वो एक साथ एक हम सेम बिल्डिंग में रहते थे. एंड वो जब इवनिंग वॉक्स पे जाते थे तो मैं उनको काफ़ी बार मिलता था. हम लोग गानों के बारे में बात करते थे, फिल्मों के बारे में बात करते थे. वो मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे बन गए थे. बहुत ही मुश्किल है उनको, मतलब उनकी आज बर्थडे है और हम वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन आई थिंक अनुपम जी ने जिस तरीके से सबको बांधा है एक फंक्शन में, यू नो म्यूज़िकल फंक्शन में, एंड वी आर ऑल गोइंग टू रिमेंबर हिम. वी आर ऑल गोइंग टू सेलिब्रेट द मैन सतीश कौशिक फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही वॉज, द ब्यूटिफुल पर्सन दैट ही वॉज. तो बस यही है. थैंक यू. थैंक यू भाई. फाउंडर्स मेमोरीज आर मेनी, बिकॉज सतीश कौशिक की बहुत ख़ास बात ये थी कि वो हर बात पे हंसते थे, बात पे हंसते थे और हंसते ही रहते थे. और पूरा जब हंसते थे तो उनका शरीर, उनके गाल, उनका पेट सब जोर से हिलता था. तो इट वॉज वेरी फनी साइट ऑलवेज टू सी हिम लाफिंग, और उनको हंसते हुए देख कर लोगों को हंसी आती. तो मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया, उनकी डायरेक्शन में भी काम किया और साथ में भी काम किया था एक्टर. और मेरा एक प्ले है अनुपम थे रीना गुप्ता, और मैं उसमें मेरा लिखा हुआ डायरेक्ट किया वो उसमें, उसमें एक रोल अभी भी स्क्रीन पे वो आते हैं, उसमें आते रहेंगे, क्योंकि वो उनका लाइव नहीं है स्टेज पे, वो स्क्रीन पे हमने शूट किया हुआ है, तो प्ले का हिस्सा हुआ. तो मेरा लिखा हुआ प्ले है वो, उनकी लिखी हुई मैंने फिल्म और डायरेक्शन में काम किया. तो बहुत मज़ा आया उसका हमेशा ही. बट आई रियली विश के मतलब उनका जन्मदिन हम उनके साथ सेलिब्रेट करते, बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके बिना ये कर रहे हैं. बट थैंक्स टू अनुपम जी के उन्होंने इसके बारे में सोचा और सब लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बनाया ताकि हम सतीश जी को आज याद कर सकें. बिकॉज आई रिमेंबर जितनी भी बार मैं उनसे मिला हूँ या जितना भी घर भी आते रहे हैं, इनफैक्ट उनकी बेटी हमारे बेटे को राखी बांधती है. तो बस आप कभी भी आप याद कीजिए आँख बंद करके सतीश जी को, तो सिर्फ उनका हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, कभी आपको वो उदास नाराज़ नहीं दिखते हैं. तो आई थिंक वी ऑल विल रिमेंबर हिम लाइक दैट. बहुत अफेक्शनेट दोस्त था
और अनुपम भी उतना ही अच्छा दोस्त है, और अनुपम हमारे दोस्त के लिए जो खेल रहा है इंस्टीट्यूट सतीश के बर्थडे पे बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि बहुत सारी यादें सतीश के साथ जुड़ी है, हम सब ने मिलकर बहुत सारे पल साथ में बिताएं, तो ये बहुत सराहनीय इवेंट है जो अनुपम सतीश के बर्थडे पर होकर कोई एक खास बात जो आप शेयर करना चाहो सतीश जी की, कोई एक आम बात जो काफ़ी अच्छी लगती है बहुत, उसका जो स्माइलिंग फेस जो चेहरा था जो हमेशा हम सब ने देखा है, हमेशा उसका स्माइलिंग चेहरा वो हमेशा हम सबको याद रहेगा, और बातें में जो उसका ढाक होता था बड़ी जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जिया वो, और बहुत सारी पलें मैंने भी उसके साथ चार फिल्में की हैं, अभी कागज़ 2 में भी हूँ, तो जो हम लोगों ने शूटिंग के साथ पल बिताए थे शूटिंग के बाद साथ में खाना खाते हुए बातें करते हुए वो चीज़ें हमेशा याद हैं। अरे ये खुद बोला इधर आने को, वाइट चलो वाइट 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 सतीश जी के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है, सतीश जी के साथ मेरा संबंध प्रोफेशनल भी है, एज एन एक्टर वो हमारी फिल्मों में आबरा का डाबरा में काम किया, एज एन एक्टर मेरे टीवी सीरियल में काम किया। देखिए ये एक आज जो अनुपम खेर साहब ने वो मेरे भाई जैसे हैं जो एक ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदा दिली का नाम ही जीना होता है। आज सतीश हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद में एक म्यूजिकल इवनिंग, एक लाफ्टर, एक मस्ती का माहौल जो आज बनाया है ये वाकई एक काबिली तारीफ है। जाने वाले को सभी लोग याद तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जाने वालों को कभी कभी हंसकर भी विदा कर देना चाहिए, तो सतीश हिमसेल्फ लिव्ड लाइफ विद हिज आइज़ ओपन, ही ड्रीम्ड विद हिज आइज़ ओपन, तो ज़िंदगी को उन्होंने पूरा जिंदा दिली से ही जिया। तो मैं समझता हूँ वी विल मिस हिम, बट येस वी विल ऑल्सो रिमेंबर हिम फॉर हिज लाफ्टर, फॉर हिज परफॉर्मेंस, उनकी अदाकारी, उनका स्टाइल और उनका एक अच्छा इंसान होना, ये सब बातें हमें याद रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।